जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सात संगत जी प्यार से कहना धन्य गाय जी। सात संगत जी, अभी दासी सोच रही थी कि एक तरह से राजस्थान में आए हुए पूरा हफ्ता हो गया है, क्योंकि जो पिछला संडे था वो भी राजस्थान में ही सत्संग करने का अवसर मिला था, और इसके बाद अभी आज सुबह से भी आते आते जहाँ सिरसा में कल संगत का आयोजन था, पर रास्ते में आते आते पंजाब भी किया और उसके बाद डाबवाली पंजाब में किया और उसके बाद राजस्थान के भी तीन सत्संग भवन पे जाने का मौका मिला। तो उसने यही लहराए कि जिस तरह सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी आपको सबको जल्दी जल्दी दर्शन करते थे और वो कहते थे कि दास आपके दर्शन करने के लिए इधर पहुंचा है, तो दासी भी उसी भाव से इस राजस्थान में आकर आप सबके दर्शन के लिए ही आई है। और दासी, आप सबका ये जो सैलाब आया है, इतना जन समूह, आप सब इतने उत्साह से संगत करने आए हैं, वो आप सबको इधर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और जिस भाव के लिए आप सत्संग करने आए हैं कि संतों का जो दिल होता है, भक्तों का जो दिल होता है, वो इतना ही मुलायम होता है। जैसे कहा भी जाता है कि संत हृदय नवनीत समान, कि एक मक्खन की तरह कि थोड़ी सी आंच लगने पर जैसे वो मक्खन पिघल जाता है, वैसे ही हम नारे भी कि सत्संग संतों के भाव इस तरह होते हैं मन में कि खुद तो जले हुए दीपक की तरह होते ही हैं, पर साथ में ये भी चाहते हैं कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जो बुझे हुए हैं उनको रोशनी दी जाए। जिस तरह पुराने भी संतों ने यही जिज्ञासा डालने के लिए और यही बताया है कि जो एक शरीर है, जो मानुष का देह है, वो सबसे ऊंचा माना इसीलिए जा रहा है बाकी योनियों से, क्योंकि इसी शरीर में रहकर हम इस निरंकार की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि जैसे बाकी योनियों में तो निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सब होता है, तो ऐसा क्या अलग है इस मानव शरीर में? वो यही बात है कि हम इसी शरीर में रहते हुए अपना लोक भी सुखी कर सकते हैं और परलोक भी सुहेला कर सकते हैं। और इसमें ही जिस तरह हम बचपन से भी सुनते आए हैं कि इसी के कंटेक्स्ट में कहा जाता है कि हीरे जैसा ये जो हमारा ज़िंदगी मिला है, उसकी कीमत जो है एक हीरे जैसी, उसको हम कौड़ी के मोल पे उसको व्यर्थ गवा देते हैं। अगर अपने असली आत्मा को, इस परमात्मा का जो अंश ही है, उसकी जानकारी ना दे पाएँ, उसके साथ मिला ना पाएँ, तो फिर ये पूरा जीवन व्यर्थ ही है। जैसे ये उदाहरण के तौर पे एक राजा की कहानी जो बचपन में सुनी थी कि उसने अपनी प्रजा में एक सभी को एक चांदी का सिक्का दिया और बोला कि इससे आप सबको ऐसा कुछ करना है कि इसकी संभाल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही कीमती है। और करते करते उसने अगले महीने जब सबसे फिर पूछा कि आपने कैसा किया कि ये जो इतनी कीमती चीज़ दी गई है ये बढ़े, तो किसी ने बोला कि हमने इसको व्यापार में लगा के और बढ़ा दिए है और इससे इस एक सिक्के की कीमत अब बहुत ज़्यादा सिक्कों में आके मिल गई है। किसी ने कोई कहानी बताई अपनी, किसी ने कुछ, और एक व्यक्ति कहता कि मैंने तो जो आपने सिक्का दिया था उसको ज़मीन में गाड़ दिया है, अब वो कहीं जाएगा नहीं, वो एक ही स्थान पर टिक गया है, इस तरह मैंने उस सिक्के की संभाल कर ली है। तो राजा उसको समझाता है कि ये सिक्का इतना अनमोल है कि इसकी कीमत मिट्टी में गाड़ने के लिए नहीं है, पर इससे इजाफा और करने के लिए है, इसको इस तरह काम पे लगाओ और ना कि इतनी कीमती चीज़ का मोल इतना घटा दो। तो इसी कहानी के उदाहरण से जब हम ये सीख प्राप्त कर रहे हैं कि हम भी इस ज्ञान को प्राप्त तो कर चुके हैं, पर क्या हम उसका सही मूल अपनी ज़िंदगी में बिठा पा रहे हैं? क्या हम एक उस लाइट हाउस की तरह खुद जले हुए हैं जो औरों को दृश्य क्लियर करे या फिर रास्ता दिखाए, या उस तरह के जो वैल्यूज़ हैं
वो हमारे अंदर क्या आ चुके हैं। जैसे संत हमेशा सत्संग में जब आते हैं तो अपना आईना देखने आते हैं कि जिस तरह, वैसे तो हम कह देते हैं कि हमारी आँख सब कुछ देख रही है, पर अपना स्वयं का चेहरा हमारी वो आँख नहीं देख सकती, इसलिए हमें एक आईने की ज़रूरत पड़ती है ताकि अगर उसी आँख में कोई बाल या कोई चीज़ पड़ गई है तो निकालने के लिए आईना ही वो हमको हमारी खामी दिखा सकता है। उसी तरह जहाँ सत्संग की तो ये महत्व है ही, और सेवा और सिमरन को भी हमें जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उतारना है, और तभी हमें ये भी साथ में अपने आप को एनालाइज़ करना है कि अगर जो भक्तों की जो अवस्था कही जाती है, संतों की अवस्था कही जाती है, तो हम उसमें अपने आप को देखें कि इतने युगों युगों से जिस तरह जो गुण बताए हैं संतों के, क्या वो सब हम में हैं, या अभी भी प्रतिदिन भी अगर कोई सत्संग करके भी हम अपनी उन खामियों को दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो निरंकार से पल पल ये अरदास करें कि कभी भी अगर हम प्रतिदिन संगत भी जा रहे हैं तो उसका अभिमान ना करें, पर ये माने कि जिस तरह एक रेत में अगर एक रेत का कण उठा लें कि उतनी हमारा रोज़ का सत्संग सेवा सिमरन करना भी उतने के ही मूल्य है इतने बड़े रेगिस्तान में। तो वैसे ही निरंकार हम पे कृपा करें कि हम जहाँ खुद अपनी जागृति से अपने आप को हर पल निरंकार के सहारे, निरंकार के एहसास में पल पल बताएं अपना दिन, उसी तरह जो भी अपने निजी जीवन में हमसे जिससे हमारी बातचीत हो सके, या कोई प्रतिदिन कोई स्कूल की एज से, या वो घर बैठे पड़ोसियों से, या कामकाज के क्षेत्र में जिससे हम बात कर पाएँ, वो हमारे कर्म ही इतना हमको ऐसा बनाए, झलकाए वो हमारे कर्म हमारे अंदर, कि सब अपने आप ही हमसे पूछें कि आप कौन सी सत्संग में जाते हो, अपने साथ आपके साथ ही मिल रही इस संगत आने को तैयार हों, और अपने आप को भी जहाँ उनकी आत्मा है जो अभी निरंकार से वंचित है, इस परमपिता परमात्मा का ज्ञान नहीं है, वो भी जल्दी से जल्दी अपने ये जीवन मरण के मुक्त को ख़त्म कर पाएँ। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।